बिहार का औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण इस बार समीकरण बदलने का प्रयास लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। एक पिछड़े समाज के प्रतिनिधि को वहां पर उतारा है मैदान में। हालांकि ये पहला प्रयास नहीं है। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के उपेंद्र प्रसाद वो भी पिछड़ी जाति से ही आते थे और उनको ही वहां से प्रत्याशी बनाया गया था और कड़ी टक्कर भी उन्होंने दी थी वहां पर। अब देखिए, औरंगाबाद की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें राजपूतों की चर्चा जरूर करनी चाहिए। कारण पिछले 50 सालों से अगर औरंगाबाद का राजनीतिक भूगोल और इतिहास पर हम नज़र डालते हैं तो हमें समझ आता है कि राजपूत ही वहाँ डोमिनेंट रहे हैं। मतलब सांसद हो, विधायक हो, कई विधानसभा क्षेत्र है, चाहे आप रफीगंज कहिए, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर राजपूत ही डिसीसी वोटर रहे हैं। अब देखिए, दो नाम प्रमुखता से औरंगाबाद में चलते रहे हैं। पहला छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले सत्येंद्र नारायण सिंह, उनके बेटे निखिल कुमार और उनकी जो पतोहू है, बहू है, श्यामा सिंह, ये सभी सांसद रहे हैं। सत्येंद्र बाबू तो 6 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा लूटन सिंह की चर्चा भी जरूरी हो जाती है, जिनके बेटे सुशील सिंह वहाँ पर सांसद हैं और इस बार फिर बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन इन सब गुणागणित के बीच अभय कुशवाहा कहाँ से आए? वो अभय कुशवाहा जो जदयू के नेता हैं, जदयू में महासचिव के पद पर रहे, नीतीश कुमार के खासम खास रहे, अब वो राष्ट्रीय जनता दल से औरंगाबाद फाइट कर रहे हैं। अगर हम 2019 के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो देखिए, 2019 में औरंगाबाद सीट पर भाजपा के प्रत्याशी जो सुशील कुमार सिंह हैं वो जीते थे। उन्हें 4,27,000 से अधिक वोट हासिल हुआ था, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद को 3,57,000 वोट मिला था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। बीएसपी प्रत्याशी नरेश यादव की बात करें तो उन्हें 33,772 वोट मिला था। और इस बार जो चर्चा थी कि वो सीट कांग्रेस को जाएगी और वहाँ से निखिल बाबू, मतलब सत्येंद्र नारायण सिंह के जो पुत्र हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐन मौके पर लालू यादव ने प्रत्याशी ही बदल दिया, वो सीट खुद अपने पास रख लिए लालू यादव औरंगाबाद। और देखिए, अब जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है निकल कर सामने, जो जो वहाँ के वोटर्स हैं उनसे अगर आप बातचीत कीजिएगा औरंगाबाद में, तो आपको समझ आएगा कि औरंगाबाद में दलित जो हैं, मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स हैं, जो अति पिछड़ा समाज है, वो डिसिसिव वोटर है। वहाँ पर डी प्लस ईबीसी, मतलब दलित प्लस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, इस समीकरण को अगर लालू साधने में कामयाब हो जा रहे हैं तो करीब करीब 8.5 लाख के आसपास एक मुश्त वोट है दलित और अति पिछड़ा का। उस वोट बैंक पर नज़र लालू प्रसाद यादव की है। लालू प्रसाद यादव इस मिथ को तोड़ना चाहते हैं कि औरंगाबाद राजपूतों का गढ़ है और पिछले बार जो उपेंद्र प्रसाद को 3,57,000 वोट आया था, महज 70,000 वोटों से वो हारे थे, वो भी तब जब मोदी लहर अपने चरम पर था। तो इससे लालू यादव को ये समीकरण समझ में आया कि अगर वहाँ पर पिछड़ा समाज लड़े, सभी गठबंधन के साथी उनको समर्थन दे, तो औरंगाबाद में बीजेपी का तिलिस्म टूट सकता है। अब देखिए, जो विश्लेषक है उनका मानना है कि राजद ने कुशवाहा जाति से आने वाले अभय कुशवाहा को मैदान में उतार कर समीकरण बदलने की कोशिश की है, लेकिन राह आसान नहीं है। वैसे मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होगा। अब देखिए, औरंगाबाद, रफीगंज, टिकारी, गुड़ुआ, कुटुम्बा और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र वाले औरंगाबाद में मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ दूसरे स्थान पर यादव मतदाता है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर अति पिछड़ा है और चौथे नंबर पर दलित है। मतलब राजपूत और भूमिहार अगर पहले नंबर पर है भी, तो जो उनके बाद की श्रृंखला है वो पिछड़ा, दलित और मुस्लिम और यादव का समीकरण है, जो राष्ट्रीय जनता दल को फायदा पहुँचा सकता है। और इसी गुणागणित के आधार पर, अब चूंकि 19 अप्रैल को वोटिंग होना है, ऐसे में सुशील सिंह के लिए इस बार राह थोड़ी टेढ़ी जरूर हो गई है, खासकर औरंगाबाद लोकसभा को लेकर। जो ताज़ा सर्वे किए जा रहे हैं लगातार वहाँ पर, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे अगर आप बातचीत कीजिए तो आपको समझ आएगा कि औरंगाबाद में इस बार कांटे की टक्कर है। हो सकता है कि अभय कुशवाहा बाजी मार भी ले जाए। जो भी होगा वो 19 अप्रैल के दिन ईवीएम में पैक हो जाएगा और 4 जून की तारीख होगी जिस दिन रिजल्ट आएगा, मतगणना होगा, तो क्लियर होगा कि औरंगाबाद में लालू यादव का समीकरण कितना काम किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।